नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बाय पैशन की एक और नई डिस्कशन में। हम आज आपसे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनीज लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। ये CA IPCC लेवल एंड BCom लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इससे पहले अपलोड की थी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की वीडियोस। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जो कंपनी लॉ का एक और चैप्टर है छोटा सा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भी नीचे इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर वहाँ से उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अभी जो मैं आपसे चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ, उसका अगर आपको उस चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। देखिए, ये जो चैप्टर है हमारा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, आपने 11th 12th से स्टडी करते हुए आ रहे हैं एंड अभी भी आपने देखा होगा कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर किस तरह से होता है। तो आज हम इसके कुछ लीगल रूल स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का जो सेक्शन है वो सेक्शन 39 है। सेक्शन 39 हमें कुछ कंडीशंस बताता है, उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही अपने अपने शेयर्स यानी कोई कंपनी अपना शेयर अलॉट कर सकती है, ठीक है। तो पहली पहले कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, सब्सक्रिप्शन यानी एप्लीकेशन अमाउंट। एप्लीकेशन अमाउंट शैल नॉट बी लेस देन फॉर एनी सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी जो इशू की जाती है उसके लिए कुछ अमाउंट मतलब परसेंटेज मेंशन है, उससे कम आप अपना एप्लीकेशन अमाउंट नहीं रख सकते। तो वो अमाउंट है नंबर 1, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, यानी कि आपकी जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब जिस पे आप शेयर इशू करते हैं वो मान लीजिए 10 रुपये है, ठीक है ना। तो उसके अंदर मेंशन है कि 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू आपकी क्या कहते हैं, कम से कम उतना एप्लीकेशन मनी होना चाहिए। एप्लीकेशन जो अमाउंट है आपने रखी है वो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड है कि जो भी सेबी ने प्रिस्क्राइब की है परसेंटेज, जो भी सर्टेन कंपनी जो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर फॉलो होती हैं उनके लिए सेबी बनाता है मिनिमम जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज 5% होती है ऑफ नॉमिनल अमाउंट, यानी कि अगर आपका जो नॉमिनल अमाउंट 100 रुपीज़ है तो उसमें से 5 रुपीज़ कम से कम एप्लीकेशन अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन थी अबाउट एप्लीकेशन मनी के बारे में। सेकेंड कंडीशन है प्रॉस्पेक्टस में, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले उसका ज़रूरी काम होता है प्रॉस्पेक्टस इशू करना। प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी बुक होती है जिसको पढ़कर इन्वेस्टर यानी कि जो शेयर होल्डर जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बिहाफ पे उसको पढ़कर ही वो अपना डिसीजन लेते हैं कि किसी कंपनी में प्रॉस्पेक्टस इशू इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो ये प्रॉस्पेक्टस भी आगे हमारा एक चैप्टर आने वाला है जो हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, तो प्रॉस्पेक्टस के बारे में हम वहाँ डीप डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस के लिए अभी बस केवल इतना समझ लीजिए, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट यानी एक बुक टाइप में होती है जिसके अंदर कंपनी की डिटेल दी गई होती है, कंपनी क्या वर्क कर रही है और ये जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है इसका रीज़न क्या है, मतलब कंपनी को किस लिए फंड चाहिए, एंड आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते वक्त कंपनी उसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट डालती है, मतलब अगर कंपनी कुछ शेयर इशू कर रही है तो उसमें कम से कम कितने सब्सक्राइबर यानी उसको खरीदने वाले होने चाहिए पर्सन, वो मेंशन करती है, ठीक है। तो शेयर इशू होते ही उसके 30 दिनों के अंदर अंदर जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मेंशन था प्रॉस्पेक्टस में वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो पूरा का पूरा अलॉटमेंट जो भी इशू है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जितने अगर 30 दिनों के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आ पाता तो ये जो अलॉटमेंट है यानी ये जो एप्लीकेशन अमाउंट एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो जाएंगी। और जितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था यानी एप्लीकेशन मनी भेजी थी अपने लिए, एप्लीकेशन भेजा था, तो उनके सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट यानी कैंसिल हो जाएंगे। एंड जिन जिन लोगों ने अपना पैसा भेजा था बाय बैंक या बाय चेक तो उनका पैसा हमें रिसीव मतलब रिफंड करना पड़ेगा, कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा विद इन अ 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, ठीक है। जैसे ही डेट क्लोज हो जाएगी इशू की उस दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर उनको सारे पैसे लौटाने होंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते मीन्स
जितना उनकी जो पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखेंगे, अगर आ गया तो ठीक, आगे अलॉटमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर नहीं आया तो उस केस में उन्हें 15 दिनों के अंदर अंदर सबके शेयर वापस करने होंगे। एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो डायरेक्टर ऑफ कंपनी और जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व है वो दोनों मिलके या डायरेक्टर अकेले, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस अमाउंट पे जितना जितना अमाउंट उन्होंने रोक के रखा है। और इंटरेस्ट अमाउंट है 15%, ठीक है? तो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको उस अमाउंट पे जितना उन्होंने अमाउंट रोक के रखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर था एप्लीकेशन मनी, वो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन थी कि आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो भी प्रोस्पेक्टस में अमाउंट मेंशन है, वो सब्सक्राइब उतने सब्सक्राइब हो जानी चाहिए 30 दिनों के अंदर अंदर जिस दिन से प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है। और अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो आप अलॉटमेंट के लिए आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर नहीं होता है तो उस केस में आपको कंपनी का जो एप्लीकेशन भेजी है जितने मेंबर्स ने जितने लोगों ने उनका पैसा वापस करना होगा, और वो भी विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर अंदर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, यानी कंपनी अगर ऐसा नहीं कर पाती है, तो उस केस में डायरेक्टर इन डिफॉल्ट, यानी जिसने भी ये डिफॉल्ट किया किया है वो, और या फिर कोई और एम्प्लॉय जो भी इसमें डिफॉल्ट में शामिल था, दोनों मिलकर या अकेले डायरेक्टर, उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो 15% इंटरेस्ट एज अ पेनल्टी उसको देगा, अलाउ जो मेंबर्स हैं उनको वापस करेगा 15% इंटरेस्ट के साथ साथ पैसा। एक बार एप्लीकेशन मनी यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी जितना भी प्रॉस्पेक्टस में अमाउंट मेंशन था वो सब्सक्राइब हो जाता है, तो उसके बाद बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के लिए भी कंडीशन है कि सबसे पहले उसके अंदर एप्लीकेशन मनी जो भी मेंशन थी प्रॉस्पेक्टस में वो रिसीव्ड, एक्चुअल में रिसीव्ड हो जानी चाहिए, यानी बाय कैश और बाय चेक जैसे भी हो उस अमाउंट को एक्चुअल में कंपनी द्वारा रिसीव्ड हो जाना चाहिए, तभी आगे प्रोसीजर होगा अलॉटमेंट का, अदरवाइज नहीं होगा। और एक बार जब अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो भी एप्लीकेशन मनी थी वो रिसीव्ड हो गई है और हमने अलॉटमेंट भी सक्सेसफुली कर लिया है, तो इस केस में इन सब सारे शेयर्स की जानकारी, यानी ये जो शेयर्स इशू हैं इनकी जानकारी का एक रिटर्न आरओसी को, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, कंपनीज के द्वारा जिसके शेयर इशू हैं वो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को नोटिस यानी इंफॉर्मेशन देगी इस अलॉटमेंट। जब भी कोई कंपनी शेयर अलॉटमेंट करेगी अपने, तो उसके साथ एक और प्रोविज़न यह है कि उसको अपने जितने भी शेयर्स इशू करेगी उसके लिए जितना भी पैसा आएगा, यानी अलॉटमेंट का पैसा चाहे हो या फिर एप्लीकेशन मनी हो या फिर कॉल्स का पैसा हो, उसके लिए उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। ताकि उसमें ही कंपनी का जो एप्लीकेशन मनी आ सके, अलॉटमेंट मनी आ सके, कॉल मनी आ सके, ठीक है? और इस जो बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आएगा इस सेपरेट बैंक अकाउंट में, उसको यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ दो कामों में किया जा सकता है, या तो जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसा लिया है, यानी कि जिस पर्पस, यानी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करते वक्त प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि हम अपने पैसों का यूज़ इस पर्टिकुलर जगह पे करेंगे, यानी हम इसलिए आपसे पैसा मांग रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए पैसा उन्होंने जिस जिस रीज़न के लिए पैसा यानी कि शेयर्स इशू किए थे, केवल और केवल उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा पैसा, या फिर जो शेयर अलॉटमेंट है उनको एडजस्टमेंट करने के लिए। मींस मान लीजिए शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाते पूरी तरह से, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, या फिर जिसका एप्लीकेशन मनी आ गया लेकिन हम उसको उसका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर नहीं था तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इस तरह की एडजस्टमेंट करने के लिए ही हम उस पैसे को टच कर सकते हैं, या फिर जिस पर्पस के लिए हमने पैसा लिया है उस पर्पस के लिए उस पैसे को टच किया जा सकता है, यानी उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकता है। अदरवाइज इन दो चीज़ों के छोड़कर और किसी तीसरे चीज़ के लिए पैसा यूज़ नहीं हो सकता। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते वक्त क्या कहते हैं, ये कंडीशंस सबको माइंड में रखनी होगी। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अगर आप ये प्रोविज़न यानी कंपनी ये प्रोविज़न फॉलो नहीं कर पाती है एंड इसका कॉन्ट्रावेंशन यानी कि इसको इस रूल को तोड़ देती है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में 1000 रुपीज़ पर मंथ जब तक ये
ये जो फ्रॉड चलता है या फिर 1 लाख रुपए, विच एवर इज लेस, वो पनिशमेंट मिलेगी कंपनी के डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स का सेक्शन है सेक्शन 40। तो पहले समझते हैं अंडर राइटर्स होते क्या हैं। देखिए, अभी देखा, अभी हमने पढ़ा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस पर एक बर्डन होता है कि उसको कम से कम एक अमाउंट जो जो लॉ के द्वारा मेंशन है वो सब्सक्राइब होनी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है और अगर उसका शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब नहीं हो पाता तो इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बहुत बड़ी बदनामी होती है। बदनामी इन सेंस, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन इंडियन मार्केट में इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने और उसमें से एक कंपनी ने शेयर्स इशू किए, ठीक है, एंड उस कंपनी का जो भी शेयर इशू होता है फिर अगर कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पाता है तो जिसकी वजह से सारा का सारा जो भी ये जो सिस्टम था शेयर इशू करने का, ये सारा सारा कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है, तो विदेश में बैठे हुए जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं उन पे कुछ एडवर्स इफेक्ट जाएगा कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनीज के ऊपर इतना फेथ नहीं है कि उनके जो शेयर्स को खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इस एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए, इस एडवर्स इमेज जाने से, मैसेज जाने से बचने के लिए अंडर राइटर अपॉइंट किया जाता है। अंडर राइटर यानी वो पर्सन होता है कि जो कंपनी को अश्योर करता है कि आप टेंशन मत लो, आप बेझिझक शेयर इश्यू करो, बदले में अगर आपके शेयर्स नहीं बिक पाते, यानी कि अगर वो आप प्रॉस्पेक्टस इश्यू करो और आपके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आता तो बाकी बचे हुए जो शेयर हैं, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करने के लिए जो शेयर हैं उसको हम परचेज कर लेंगे। मतलब आप कंपनी को शेयर इशू कीजिए एंड जितने भी आते हैं आने दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद देखेंगे कितने की कमी पड़ रही है। मान लीजिए 95% का प्रिस्क्राइब सब्सक्राइब होने चाहिए और आए केवल 90% है, तो इस केस में 5% का जो शेयर्स हैं, 5% शेयर हैं वो अंडर राइटर, वो पर्सन लेगा। ठीक है, तो अंडर राइटर वो पर्सन होता है जिसे हम अपॉइंट करते हैं, जो हमें गारंटी देता है, एक आश्वासन अश्योरेंस देता है कि दैट कि आप शेयर इश्यू कीजिए, अगर शेयर इश्यू नहीं होते, आपके पूरे सब्सक्राइब नहीं हो पाते तो जितने भी सब्सक्राइब करने में, यानी कि जितने भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कमी होगी उतने शेयर हम परचेज कर लेंगे। ठीक है ना, तो मिनिमम जो अंडर राइटर का जो रोल है वो ये चीज़ है। तो अंडर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 वो डिफाइन करता है, मीनिंग बताता है अंडर राइटर्स की। ठीक है, सेक्शन 40 कंपनीज एक्ट 2030 अंडर राइटर्स के प्रोविज़न बताता है कि उनकी पेमेंट किस तरह से होगी। सबसे पहले ये बोलता है कि कंपनी की जो कंपनी अपने अंडर राइटर को पेमेंट कर सकती है अपने प्रॉफिट से या फिर न्यू इशू से, यानी जो भी शेयर इशू किया है उसके उससे आए हुए पैसों से। ठीक है, अब कितना करेगी ये भी मेंशन है, यानी कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके जो परसेंटेज है, यानी कि इतने परसेंट कमीशन मिलेगा वो मेंशन होता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कभी भी लॉ के जो द्वारा बताया गया जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा नहीं दे सकती, यानी कि जो अंडर राइटर का कमीशन होगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड लॉ के द्वारा बताए गए जो दोनों में से कम परसेंटेज होगा वो आर्टिकल ऑफ वो अंडर राइटर का कमीशन होगा। ठीक है, तो अंडर राइटर का कमीशन होता है इन केस ऑफ शेयर्स। शेयर्स के केस में लॉ ने बोला है कि अंडर राइटर्स का जो कमीशन होगा वो 5% ऑफ जितना भी टोटल, जितना भी उन्होंने गारंटी ली है उस अमाउंट का। एंड इन केस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के केस में 2.5% ऑफ जो भी अमाउंट उन्होंने गारंटी ली है उसका, 2.5% ऑफ प्राइस, टोटल प्राइस विच जो भी उन्होंने अंडर राइट किया है वो। तो ये था प्रोविजन रिगार्डिंग अंडर राइटर्स अंडर सेक्शन 40 के अंदर दिया हुआ। एंड यहाँ पर एक और चीज़ बात ध्यान रखने वाली है कि अंडर राइटर का जो भी पेमेंट है वो इन कैश और इन काइंड दोनों में हो सकता है। मान लीजिए उसका जो कमीशन है 5% ऑफ टोटल प्राइस बनना था, यानी कि अगर मैं उसको मॉनेटरी टर्म में निकालूं तो लाइक उसका मान लीजिए 20 लाख का कमीशन बन रहा था, तो 20 लाख या तो फिर मैं उसे कैश में दे दूं, यानी कंपनी उसे कैश में दे सकती है, या फिर कोई 20 लाख का कोई प्रॉपर्टी दे दे, तो
तो बात एक ही है, तो इन कैश भी हो सकता है और इन काइंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था प्रोविजन रिगार्डिंग अंडरराइटर्स। एंड जब भी कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो उसके अंदर अंडरराइटर्स की डिटेल भी देनी होगी, अंडरराइटर का नाम, अंडरराइटर की कमीशन, अंडर कितने शेयर्स वो अंडरराइट कर रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको अपने प्रॉस्पेक्टस में देनी होगी। ओके, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि अगर आपने इसके अंदर दिए गए प्रोविजंस को, रूल तोड़े, तो आपको सज़ा मिलेगी। तो कंपनी के केस में कंपनी को मिनिमम 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, यानी फ़ाइन मिलेगा। एंड अगर कोई ऑफिसर, जैसे कि कोई ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो ऑफिसर, उसको मिलेगी सज़ा मिनिमम 50,000 की कैश पनिशमेंट, या फिर मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़, या फिर 1 साल की इम्प्रिजनमेंट यानी कैद, या फिर दोनों, ठीक है। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और ये चैप्टर बहुत ही छोटा था तो इसके प्रोविजंस बहुत जल्दी खत्म। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर लिखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।